हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिश चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन स्पोर्ट ट्रेनिंग यानी एंड एजुकेशन मेथड यानी खेल प्रशिक्षण शिक्षा विधियों से रिलेटेड है। जैसा कि दोस्तों, स्पोर्ट ट्रेनिंग से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन हमेशा स्पोर्ट ट्रेनिंग से रहते हैं। जैसा कि दोस्तों, आप स्पोर्ट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ एंड्योरेंस फ्लेक्सिबिलिटी स्पीड कोऑर्डिनेशन एंड हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकली फिटनेस को जानना है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है और सभी कंपिटेटिव एग्जाम्स रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज थ्योरी वीडियोज एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज चैप्टर वाइज एमसीक्यूज सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। बस चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में ढूंढिए और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों, चाहे आपको UPTGT का एग्जाम हो, चाहे LT ग्रेड का, चाहे किसी भी स्टेट का, चाहे MP TET का, सभी एग्जाम के लिए आप मेरे चैनल पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। सभी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण होता है। तो जब हम कोई चीज प्रशिक्षण करते हैं तो क्यों थकान होता है? तो वह होता है लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक है, एक प्रकार का अम्ल जमा होने लगता है शरीर में। जब हम कार्य करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, तो मांसपेशियों में फ्लेक्शन एक्सटेंशन यानी कि संकुचन प्रसार क्रिया होता है और मांसपेशियों को संकुचन होने से जो हमारे शरीर में ATP है उसका यूज होता है। और जब ATP खत्म हो जाती है तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है और हम थक जाते हैं और कुछ समय के लिए फिर हम रेस्ट लेते हैं, जिससे हमारे शरीर में पुनः ऊर्जा हो जाती है और फिर हम तुरंत कार्य करने लगते हैं। नेक्स्ट है, विस्तृत अंतराल विधि में तीव्रता होती है। तो दोस्तों, जो आपका इंटरवल मेथड होता है, जो एंड्योरेंस यानी सहनशीलता होता है, उसको डेवलप करने की 4 विधियां हैं। कंटीन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन मेथड एंड कंपटीशन मेथड, जिसमें से कंटीन्यूअस मेथड यानी कि लगातार विधि, जिसमें बिना रुके ट्रेनिंग किया जाता है लगातार, वो 4 प्रकार के होता है। फास्ट कंटीन्यूअस, स्लो कंटीन्यूअस, वेरिएबल पेस मेथड एंड फार्टलेक मेथड। तो दोस्तों, दूसरा होता है आपका इंटरवल मेथड। इंटरवल मेथड को तीव्रता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, इंटेंसिव इंटरवल मेथड एंड एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड। इंटेंसिव इंटरवल मेथड को गहन अंतराल विधि भी कहते हैं, जिसकी तीव्रता होती है 80 से 90% और हार्ट रेट 75 से 180 बीट प्रति मिनट होता है। जबकि एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड यानी विस्तृत अंतराल विधि में 60 से 80% होता है आपका इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्पोर्ट ट्रेनिंग की आप किसी भी टॉपिक को जानना चाहते हैं दोस्तों, तो स्पोर्ट ट्रेनिंग वाले प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा और ये सबसे कठिन टॉपिक है, आपको इतनी सरलता से याद हो जाएगा, दोबारा आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रदर्शन परिणाम है। तो दोस्तों, खेल प्रदर्शन जो है वो हमारे कौशल, हमारे स्किल का परिणाम होता है। जो हम सीखे रहते हैं वही चीज़ हम अपने खेल प्रदर्शन में करते हैं। नेक्स्ट है, प्रतियोगी खेलों से प्राप्त लाभ क्या होता है? खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन को जानने में सहायक होता है, खिलाड़ियों की कमजोरी को जानने में सहायक होते हैं, खिलाड़ियों के तकनीकी कौशल के विकास में सहायक होते हैं। तो दोस्तों, प्रतियोगी खेलों से किसी चीज़ का प्रतियोगिता होने में हमको ये सभी चीज़ें ज्ञात होती हैं कि वो खिलाड़ी का प्रदर्शन कैसा रहा, उसकी कमजोरी क्या क्या है, क्या क्या तकनीकी विकास अभी करना है उसमें, तो ये सभी चीज़ें यानी उपयुक्त सभी
इससे जानकारी मिलती है किसी प्रतियोगिता करने से। मेष दोस्तों, अवधिकालीनता यानी पीरियडाइजेशन के अंतर्गत कितने काल आते हैं, तो 3 काल आते हैं। पीरियडाइजेशन के बारे में आप विशेष रूप में जानने के लिए पीरियडाइजेशन की वीडियो को जरूर देखिए, उससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपका प्रीपेटरी पीरियड तैयारी का एक समय होता है, एक कंपटीशन पीरियड होता है और एक रेस्ट यानी रिकवरी का पीरियड होता है, रिकवरी पीरियड। नेक्स्ट दोस्तों, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग किसको विकसित करने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों इसमें शक्ति और गति दोनों की आवश्यकता होती है, यानी कि विस्फोटक शक्ति यानी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को डेवलप किया जाता है। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग में एक बेंच के ऊपर से नीचे कूदा जाता है, फिर नीचे से ऊपर कूदा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेल प्रशिक्षण में समयबद्धता से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है, तो दोस्तों खेल प्रशिक्षण जो साइकिल होता है, ट्रेनिंग साइकिल, वो 3 प्रकार का होता है, माइक्रो चक्र, मीजो चक्र और माइक्रो चक्र। तो इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, आपको इसमें बताना होगा कि कौन सा इसमें प्रशिक्षण चक्र नहीं है। तो यहाँ पे है मैक्रो साइकिल, मेजो साइकिल, माइक्रो साइकिल, ये 3 चीज़ें समयबद्धता से रिलेटेड हैं, बट मायो साइकिल नहीं है दोस्तों। जो हमारा ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग साइकिल, वह 3 होते हैं समयबद्धता से, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र और माइक्रो चक्र। जो मैक्रो चक्र होता है उसे ट्रेनिंग योजना भी कहते हैं, यह सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल होता है, यानी 3 से 12 माह या इसको 1 साल बोल लीजिए या 365 या 52 सप्ताह। और दूसरा होता है मीजो चक्र, जिसको मासिक ट्रेनिंग चक्र या अवस्थन चक्र भी बोलते हैं, इसका समय 3 से 6 सप्ताह यानी 1.5 माह यानी 30 से 45 दिन का होता है, इसको मध्यम अवस्थन चक्र भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि टू टेकल स्पेसिफिक ट्रेनिंग लोड, किसी विशेष प्रशिक्षण कार्य को टैकल करने की योग्यता को डेवलप करना होता है, यानी कि यहाँ पे पीक फॉर्म होता है, परफॉर्मेंस पीक होता है उच्च लेवल पर। और तीसरा होता है माइक्रो चक्र, जो सबसे छोटा ट्रेनिंग चक्र होता है, इसका समय 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह का होता है। इसमें ट्रेनिंग कार्य और ट्रेनिंग भारों एवं ट्रेनिंग व्यायामों को शामिल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजो चक्र प्रशिक्षण की अवधि है तो कितना होता है, 3 से 6 सप्ताह। नेक्स्ट है, निम्न में से शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षा विधि है, तो दोस्तों इसमें मिरर विधि भी है, प्रोजेक्ट विधि भी है, प्रदर्शन विधि भी है, यानी कि सभी विधियां शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षा विधियां हैं। नेक्स्ट है, लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम विधि कौन है इसमें, तो दोस्तों लचीलेपन की को डेवलप यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने की विधियां हैं बैलेस्टिक, स्टैटिक, डायनामिक और PNF मेथड। तो जो बैलेस्टिक विधि में क्या होता है दोस्तों कि शरीर की स्टैटिक और डायनामिक यानी कि स्थिर और गति अवस्था में संतुलन बनाए रखना होता है, बैलेंस बनाए रखना होता है, सबसे पुरानी विधि है। इसमें स्ट्रेचिंग व्यायामों जैसे कि लयबद्ध गीत, बाउंसिंग, स्विंग आती है। एंड स्टैटिक मेथड में अपने कोण में वृद्धि करके, अधिकतम सीमा तक वृद्धि करके कुछ समय के लिए होल्ड करके रोकते हैं। एंड तीसरा होता है डायनामिक मेथड, जिसमें जोड़ों के कोण में वृद्धि गति के साथ किया जाता है। एंड चौथा है PNF मेथड, यानी कि इसको कहते हैं प्रोपायोसेटिव न्यूरो मस्कुलर फैसिलेशन। यह लचकता बढ़ाने की सर्वोत्तम विधि होती है, अधिकतम लचकता 180 तक होती है। और यह PNF मेथड जो होता है उच्च स्तर के खिलाड़ी द्वारा लचीलापन हासिल करने में किया जाता है, जिसमें अधिकतम पेशी शीतलन हासिल करने में एक प्रयास में इसे खींचने से पहले पेशी संकुचन का प्रयोग शामिल होता है, ताकि पेशी को अधिक से अधिक
शिथिल किया जा सके। यह पेशी के रिसेप्टर ऑर्गन तथा गतिविधियों के रेंज को बढ़ाने में सहायता करती है। तो यहाँ पे पीएनएफ मेथड नहीं दिया है दोस्तों, अगर वो नहीं दिया रहेगा तो आपका स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा, ठीक है। यानी कि स्लो स्ट्रेचिंग, कुछ स्ट्रेच करके कुछ देर तक उसको रोके रखना, होल्ड किए रखना, इस प्रकार लचीलापन ज्यादा विकसित होता है, सर्वोत्तम विधि होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है। तो क्या है? गतिवर्धन दौड़, पोलियोमेट्रिक्स, गति वाली दौड़। तो यहाँ पे से कोई भी सही नहीं है। स्ट्रेचिंग व्यायाम ज्यादा बेहतर होता है इसमें। नेक्स्ट है, हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह बढ़ता है। तो कोई आप एक्सरसाइज करते हैं हैवी, तो रक्त प्रवाह किधर बढ़ता है? स्केलेटल मसल्स की तरफ, यानी कि कंकाल पेशियों की तरफ, ऐच्छिक पेशियों की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों, फॉर्टलेग शरीर में विकसित करता है। तो दोस्तों फॉर्टलेग मेथड किसके अंतर्गत आता है? सहनशीलता के अंतर्गत, ठीक है। वो भी कंटिन्यूस मेथड का एक प्रकार है, जिसको स्पीड प्ले विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शटल रन से परखी जाती है। तो दोस्तों शटल रन से स्फूर्ति और गति सहनशीलता विकसित की जाती है। तो यहाँ पे स्फूर्ति सही करते हैं, यहाँ पे गति सहनशीलता स्फूर्ति दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक प्रशिक्षण में विकसित किया जाता है। तो यहाँ पे आंतरिक प्रशिक्षण नहीं है दोस्तों, अंतराल प्रशिक्षण होना चाहिए। यानी कि इंटरवल मेथड में गति सहनशीलता विकसित किया जाता है, स्पीड एंड्योरेंस। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हार्ट रेट होता है 140 से 180 तक होता है, तो इसमें जो रिकवरी होता है उसको अनकम्प्लीट रखा जाता है। यानी कि जैसे ही हम कोई क्रिया करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, हमारा हार्ट रेट 120 से 140 के बीच जैसे ही होता है, तो हम उसको क्रिया को रोक देते हैं। यानी कि जब हम कोई प्रशिक्षण करते हैं तो हमारा हार्ट रेट जो है 180 तक पहुंच जाता है, एकदम उच्च लेवल पर। तो वहां तक पहुंचने के बाद क्रिया हम रोक देते हैं, और रोकने के बाद जैसे ही हमारे जो हार्ट रेट 120 से 40 के आता है, यानी पूर्ण रिकवरी नहीं लेते हैं, अनकम्प्लीट रखते हैं। तो जैसे ही 120 से 40 के बीच आता है, तो तुरंत पुनः अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से रेस्ट नहीं लेने दिया जाता है। इसी को कहते हैं इंटरवल ट्रेनिंग, यानी कि रेस्ट और केफॉल्ट विधि भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसमें गति सहनशीलता यानी कि स्पीड एंड्योरेंस डेवलप होता है। नेक्स्ट दोस्तों, थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जहाँ पे थकान शब्द आ जाए और उसमें प्रतिरोध को हटाने का बात हो जाए, जहाँ स्ट्रेंथ में हमेशा प्रतिरोध के विरुद्ध कोई कार्य होता है, और यहाँ पे थकान भी आ गया, तो थकान हमेशा सहनशीलता में ही आएगा और प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, शक्ति सहनशीलता। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति न हो, तो यह संकुचन विधि कहलाती है। तो दोस्तों जब कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति न हो, लंबाई में कोई वृद्धि न हो और कोई प्रत्यक्ष गति होता हुआ दिखाई न दे, तो वह होता है आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग कंट्रक्शन। और दोस्तों जो आइसोटोनिक होता है, वह इसमें क्या होता है कि सेम तनाव होता है और मसल्स की लंबाई जो है वह घटती बढ़ती है। जब घटती है तो कंसेंट्रिक बोला जाता है, बढ़ती है तो इसेंट्रिक बोला जाता है। एंड जो आइसोकाइनेटिक होता है, इसमें सेम गति होता है, मशीनों द्वारा किया जाता है, पानी वाले खेलों में जैसे कि तैराकी, रोइंग आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है, गोनियोमीटर से मापा जाता है। दोस्तों गोनियोमीटर से हमारा फ्लेक्सीबिलिटी यानी लचीलापन को मापा जाता है। नेक्स्ट है, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? तो दोस्तों यह एक गतिशीलता है जिसमें
लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है, वह जल्दी थकता नहीं है, एकदम स्फूर्तिपूर्वक कोई भी काम करता है। नेक्स्ट दोस्तों, मानव में सामान्य धड़कन दर क्या होता है, तो आप सबको पता है 72 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट दोस्तों, अध्यापन की एक विधि है, तो यहाँ पे प्रदर्शन विधि अध्यापन की एक विधि है और शारीरिक शिक्षा में सबसे बेस्ट विधि होता है प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण होता है, तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को एक अच्छा परफॉर्मर यानी कि अच्छा निष्पादक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है, तो दोस्तों लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, जिससे हमारे शरीर में थकान होता है। और जब हम रेस्ट लेते हैं कुछ समय के लिए, तो पुनः हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है और वह पुनः हमारे शरीर में ऊर्जा यानी एटीपी का निर्माण हो जाता है और हम पुनः उस कार्य को करने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट है, खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन है, तो यहाँ पे चित्र चार्ट ड्राइंग दिया है, लेकिन सबसे बेस्ट साधन है आपका दृश्य श्रव्य साधन। नेक्स्ट दोस्तों, एक कोच का गुण होना चाहिए, तो उसको आत्मविश्वासी होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है सीटअप का उद्देश्य है दोस्तों, तो सीटअप क्या है, इसमें जो हमारा पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना होता है दोस्तों। जो सीटअप होता है, जब हम सीटअप करते हैं तो जो हमारा पूरा फोर्स जो लगता है वो बीच में यानी पेट पे लगता है, जो सीटअप होता है तृतीय प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल भी है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, लचीलापन बढ़ाने के लिए कौन सा व्यायाम जरूरी है दोस्तों, तो यहाँ पे तनन व्यायाम यानी कि स्ट्रेचिंग व्यायाम जरूरी है लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है शक्ति मापी जाती है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ या शक्ति की बात आ जाए मापने की, वहाँ पे डायनेमोमीटर सही होगा, डायनेमोमीटर से शक्ति मापी जाती है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण के दौरान थकान के अभ्यास का कारण है, तो थकान का अभ्यास कैसे होता है, लैक्टिक एसिड के जम जाने से हमारे बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई खिलाड़ी प्रशिक्षक की देख रेख में सीखे हुए कौशलों का अभ्यास करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कोचिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था, तो प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार बिंटम बॉटम ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, माइक्रो साइकिल प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है, तो 3 से 10 दिन यानी कि 7 दिन यानी 1 सप्ताह का भी होता है। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण के समय हृदय गति यानी हार्ट बीट प्रति मिनट लगभग कितनी रहनी चाहिए, तो दोस्तों प्रशिक्षण के समय जो है वह 150 से 180 यहाँ पे हो जाता है, तो यहाँ पे इसमें तो कोई भी सही आपका नहीं होगा, क्योंकि 175 से 80 तक हो जाता है प्रशिक्षण के समय, नॉर्मली तो आपका 72 बार प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट के खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट 60 से 65% होना चाहिए एथलेटिक के खुराक में। नेक्स्ट है, कौन सा परीक्षण स्ट्रेंथ टेस्ट से संबंधित नहीं है, तो स्ट्रेंथ में कौन संबंधित होगा, जिसमें मांसपेशी की मेन आवश्यकता होती है, शक्ति लगाने में मांसपेशी की आवश्यकता होती है, तो मसल्स रिलेटेड जो भी चीजें होगी बल लगाने से संबंधित वो आपका स्ट्रेंथ के अंतर्गत आएगा, जैसे यहाँ पे पुल अप्स, डिप्स, पुशअप, ये स्ट्रेंथ टेस्ट में सम्मिलित है, बट यहाँ पे शटल रन नहीं है, यह एजिलिटी यानी चपलता टेस्ट में सम्मिलित है। नेक्स्ट है, किस संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित होती है, तो लंबाई किसमें परिवर्तित होती है, तो आइसोटोनिक में, और किसमें नहीं होती है, तो आइसोमेट्रिक में। नेक्स्ट है दोस्तों, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के सुधार में दोस्तों सर्किट ट्रेनिंग का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, सर्किट ट्रेनिंग का, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के डेवलप करने के लिए। सर्किट ट्रेनिंग में क्या होता है, एक गोलाकार परिधि में
आदर्श स्टेशन बना करके आदर्श खिलाड़ियों को अलग अलग प्रकार से क्रियाकलाप किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, बाइसेप्स ब्रांची और लैटिमस डॉर्सी मांसपेशियां विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास लाभदायक है? तो दोस्तों यह पुलअप, आप पुलअप करेंगे तो हमारी जो बाइसेप्स ब्रांची है और लैटिमस डॉर्सी जो कमर के ऊपर की मांसपेशी है वह आपका मजबूत होगा। नेक्स्ट दोस्तों, मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे कहते हैं, तो दोस्तों मांसपेशी संकुचन में मांसपेशी छोटी होती है उसको कंसेंट्रिक कहते हैं और जो बड़ी होती है उसको इंसेंट्रिक कहते हैं, भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षा विधि है? तो यहाँ पे मिरर विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन अनुकरण विधि, ये सभी शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षा विधियां हैं। नेक्स्ट दोस्तों, एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं? तो कोई भी प्रशिक्षित व्यक्ति होगा उसमें धीमी थकावट होगी, यानी थकावट की दर धीमा होगा क्योंकि वो अभ्यास कर चुका है डेली बेसिस पे, तो उसमें जो लैक्टिक एसिड होता है देर से जमेगा और देर से जमेगा तो अन्य व्यक्ति की तुलना में वह धीरे धीरे थकेगा, उतना जल्दी नहीं थकेगा। नेक्स्ट दोस्तों, की पेशी खिंचाव का क्या कारण है? तो दोस्तों कोई भी काम उतना ही लिमिट पूर्वक लिमिट क्रॉस करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो अत्यधिक प्रशिक्षण जो है वह पेशी खिंचाव का कारण है। नेक्स्ट दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य का समान तापक्रम कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का समान तापक्रम होता है 98.6 फारेनहाइट, तो यहाँ पे चार दिया है, ये राइट हो जाएगा। और आपका उसमें बोलेगा तो कितना होगा डिग्री में? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है दोस्तों, शैक्षिक व्यायाम है, तो शैक्षिक व्यायाम क्या है? योगासन, मार्चिंग, मुक्त हस्त व्यायाम, ये सभी के सभी क्या है? शैक्षिक व्यायाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, यह गतिविधि जिसमें कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी सहन शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। कार्डियोवैस्कुलर का मतलब होता है मांसपेशी और फेफड़े की वह क्षमता जो किसी क्रिया के दौरान लंबे समय तक किया जा सके, बैलेंस बना करके रखे। तो सबसे ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस सबसे ज्यादा लंबे समय की क्रिया में होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। तो आपका जैसे कि मैराथन दौड़ में सबसे ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, जैसा आपका ऑप्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों, और डेली बेसिस पर मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी ही देती हूँ, कोई भी फेक नहीं बताती हूँ। अगर मेरे पास टाइम नहीं रहता है तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, और जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है, एक दो दिन गैप हो जाता है बीच में, मैं तुरंत आपके लिए अवेलेबल हो जाती हूँ। तो दोस्तों डेली बेसिस पे मेरा वीडियो आता रहेगा, और प्रैक्टिस करते रहिए और अपना सेल्फ स्टडी भी ऑथेंटिक बुकों से करते रहिए। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।